अच्छा जी, तो सवाल जिस पे कहानी सुनाई कैसे बचपन से सिंगिंग का शौक था? बचपन से डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है? अच्छा, डिसाइड तो मैंने नहीं किया था कभी, बट मुझे शौक था टीवी में आने का कि लोग मुझे जाने, यू नो, ऑटोग्राफ पे. अच्छा, मैं, मेरा ना शुरू से ये ख्वाब था कि मैं गाना गा रही हूँ, बड़ा सा स्टेज हो और लोग बोले यू यू सैर सैर. लिटरली मेरा ये सैर. मैं अभी इंटरव्यू के एंड पे यही कहूँगी सैर गाना गाओ, सैर वन मोर वंस मोर. तो ना तो वो अच्छा, अभी पापा ने कुछ टाइम पहले मेरी तारीफ की कि तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है, तुम्हें सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए. मैंने कहा माफ़ पापा, सारी जिंदगी तो आप लोगों ने चपले मारी है, अब आपको हुनर नजर आ रहा है, अब आपको मुझ में हुनर नजर आ रहा है. पापा ने जब एक्टिंग कर सकते हो सिंगिंग. मैंने बोला नहीं भाई, एक ही चीज़ अभी हो रही है वो ठीक है. अच्छा, एक्टिंग इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैं कॉलेज में थी और मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला था. सेकेंड ईयर बस स्टार्ट ही था, एग्जाम्स अभी नहीं हुए थे फर्स्ट ईयर के. तो मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, तो वो इंटर्नशिप पे गई थी हम टीवी के ऑफिस. ओके, ठीक है. तो वो वहाँ की चीज़ें हमें बताती थी मॉर्निंग शो में. फिर वो उसकी प्रमोशन हो गई, वो मॉर्निंग शो में चली गई. तो वो उसको पता था कि सहर ना हमेशा ऐसे कुछ बनना चाहती है. तो वो होते ना दोस्त, आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा. तो मुझे कहती थी सहर बन जा यार. मैं कहती थी नहीं यार. अच्छा, मेरे घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और 9 बजे कर्फ्यू लग जाता था हमारे घर पे. 9 बजे के बाद ना तो लाइट्स खुलेंगी और ना आप घर से बाहर जा सकते. सब फॉलो करते थे, मैं फॉलो नहीं करती. मैं यही इस पे आने वाली थी. हाँ, मैं फॉलो नहीं करती थी. तो बैल्कनी, अच्छा मैंने अपने साथ ना अपनी छोटी वाली बहन को भी बिगाड़ा हुआ था. तो बैल्कनी होती थी और बैल्कनी में ना हमारा एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, तो जो मतलब बिल्कुल कवर्ड था वो नीचे तक था. तो हम 9 बजे के बाद जैसे हम जानबूझ के करते थे. जब 9 बजे के बाद बड़े अबू लगा देते थे, हम कहते थे अच्छा ठीक है. हम वो दरख्त से नीचे उतरते थे, बाहर गली में कूदते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम जाते थे दुकान से दूर नूडल्स लेकर आते थे. ओह गॉड, कितना मजा आता होगा नूडल्स और लेज जो मैंने अभी आपसे मंगवाए. तो हम बहुत सारे गंदे गंदे चिप्स लेकर आते थे और घर आते थे, और फिर दो तीन दफा पकड़े भी गए और बहुत कुटाई हुई है. ओह गॉड. और मेरी बहन ने तो बोला ये आप ये लेके गई थी, मैं तो नहीं गई. मैं तो बहुत पिटी हूँ, बहुत पिटी है. अच्छा, जब मैं पिटती थी ना, मैं बहुत पिटी हूँ, बहुत पिटी हूँ. तो अम्मी ने भी मुझे मारा है, पापा ने आज तक हाथ नहीं उठाया. तो जब मैं पिटती थी ना, तो अच्छा पापा हमेशा जब अम्मी डांट वांट देती ना, तो पापा रूम में आकर हमें मनाते हैं हमेशा से. तो पापा फिर समझाते हैं कि बेटा वो माया है, तुम्हारी भले के लिए करती हैं. तो जब वो रूम में आते थे, फिर पापा कहते थे कि माँ जहाँ जहाँ मारती है ना, वो जगह जन्नत में जाती है. अल्लाह की कसम. तो मुझे कहते, तो जब भी मैं पिट रही होती थी ना, बचपन से तो बहुत पिटी हूँ, लेकिन जब बड़े होकर भी पिटी होती थी ना, तो मैं कहती थी अम्मी ये वाली जगह रह गई यार, ये नहीं जाएगी, यहाँ हमारे अब. इतना मारा अम्मी ने. तो आज तो ऐसी ही आज तक मुझे वो बात याद है कि अब मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी जन्नत में नहीं भेजना क्या मुझे, मारे थोड़ा सा. अम्मी कहती है अब मुझे हिम्मत नहीं है ना, अब तुम लोग बिगड़ रहे हो, ये हो रहा है वो रहा है. तो वो बहुत अम्मी से मार खाई है. तो इस तरह का माहौल अच्छा था. मैं थोड़ी ज़िद्दी थी हमेशा शुरू से. अच्छा, पापा हमेशा मेरी साइड लेते थे, चाहे खानदान में कोई भी कुछ बोलता था, पापा कहते थे मेरा बेटा है. और हमेशा सिर्फ पापा ने मेरी साइड लिया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा पिटे हैं पापा से. हाँ, मैं नहीं पिटी. तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा बोला, मैंने कहा यार ये तो, मैंने कहा नहीं हो सकता, कैसे होगा. उसने मुझे बोला नहीं सहर, तुम एक दफ़ा ट्राई करो, मैं बात करती हूँ. तो उसने हम टीवी, वो बहुत अच्छी थी, वो उसने बात की कि मेरी बहन है छोटी, तो आप ये वो. तो मैंने कहा यार क्या करूँगी क्या करूँगी. खैर कॉलेज गई कपड़े शपड़े लेके ना, तो अब लाला बाहर खड़े हुए. मैंने कहा यार कॉलेज कैसे बंक करूँ, कॉलेज कैसे बंक करूँ. अच्छा, मुझे अलाउ नहीं है घर से अकेले जाना आज भी. मतलब मुझे वैन ड्रॉप करती थी और पिक भी वही करती थी, 9th क्लास में भी, मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर में भी. तो वही वो वैन बाहर खड़ी हुई थी. बड़ी मुश्किल से हमें, वो स्टोरी बहुत लंबी है किस तरह से बाहर निकल के हम ऑफिस चले गए हम टीवी के. तो उसने मुझे बोला मैं हूँ ना, बस तुम करो. तो वहाँ ऑडिशन हो रहा था सांवरी की क्षमा का. ओके, ठीक है. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी. मैं ऐसी एक होता ना, जब आप पे ज़्यादा पाबंदियाँ लगती ना, तो आप कहते हो चलो ट्राई करो एक, यू नो. तो वो उस चक्कर में ना मैंने बोला चलो एक रिस्क लेते हैं, अगर पकड़ी गई तो ठीक है मार खा लूँगी, नहीं पकड़ी गई तो चलो. मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर ऑडिशन मेरा हुआ. तो वहाँ एक रुबाब होते थे, रुबाब ने बोला यार ये तो बहुत अच्छी एक्टर है. अच्छा, उन्होंने मुझे उस वक्त कॉम्प्लीमेंट दिया था तुम दूसरी सज्जा लो. ओके, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा बिग कॉम्प्लीमेंट था. तो मैंने कहा कि अच्छा वाकई, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, आप मुझे बोल रही हैं. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो, पटाखा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका. तो वो बस फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया. अच्छा, डायरेक्टर का मूड ऑफ था, वो मुझे नहीं लेना चाहते थे.
ओके कामरान अकबर. तो कामरान अकबर ने जब मुझे यूँ देखा ना तो सड़ियल सी उन्होंने शक्ल बनाई तो मुझे फील हुआ मैं फिर भी बेइज्जती करके अंदर आ गई. मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम. तो उन्होंने बोला क्या किया था आपने. तो मैंने कहा कुछ भी नहीं किया हुआ. तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं किया हुआ तो एक्टिंग कैसे करेंगे आप. तो मैंने बोला एक्टिंग करने के लिए कुछ करना ज़रूरी थोड़ी. हर जितने भी एक्ट्रेस थे उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया होगा. तो मैं बहुत मुफ्त मैंने जल्दी ली ट्रेनिंग. बेसिकली यू मेंट की ट्रेनिंग तो उन्होंने भी नहीं ली हुई ना जो आप मुझसे कह रहे हैं. तो मैंने उन्हें कहा कि तो मैंने कहा कि लेकिन तो मुझे 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 पता था मैं नहीं हूँगी. अच्छा, तो इसीलिए बेखौफ हो कि आपने मुझे बोला पता था कि मैं नहीं हूँगी सिलेक्ट. तो मैंने कहा ऐसे ही आई हूँ, घर वालों से वैसे ही इजाज़त नहीं मिलनी है, क्या करना है. तो फिर जो बोलना है बोल दो यार. मैंने बोला कि तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप उन्होंने बोला अच्छा बातें बाद में करेंगे, पहले आप ये स्क्रिप्ट मुझे पढ़ के सुनाए ना जरा, डायलॉग्स भी तो पता चले आपको आता भी है कुछ या नहीं आता. तो मैंने उन्हें कहा वो अभी रुबाब ने जो मुझसे ऑडिशन लिया ना वो वाली मुझे डायलॉग्स याद है, आप मुझसे वो सुनो. और लिटरली उन्होंने मुझे बोला बीबी ये सोप है, आपको पता है इसकी कितनी एपिसोड्स होती हैं. हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम स्क्रिप्ट दें आपको याद करने के लिए. ओह गॉड. तो उन्होंने मुझे बोला आपको ये सेट पे फौरन आपको स्क्रिप्ट दे दी जाएगी और कोई भी सीन होगा और आपको वो करना होगा. अब मैंने बोला ले बेटा. अच्छा मैंने बोला मेरे अब एक होता ना आप बच्चे होते तो आपको कोई चैलेंज दे तो आप कहते अच्छा. अब मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा. मैं आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो ये हंस हंस के बताते हैं हर जगह. तो मैं कहती हूँ बस कर दें आप मुझे लेना नहीं चाहते थे. तो अब वो मैं स्क्रिप्ट ऐसे करके मैंने देखा और मैंने उनको दे दी. अच्छा मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ चीज़ें ना. तो वो मैंने देख लिया और मैंने कहा ये ना. तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा वो उन्होंने बोला पढ़ ली. मैंने कहा हाँ. तो उनको लगा ऐसी ओवर एफिशिएंट बनी उन्होंने. तो मैंने वो धड़ 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 डायलॉग बिल्कुल क्षमा के अंदाज में मैंने बोले. तो उन्होंने मुझे यूँ करके देखा. उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं रुबाब को बता दूंगा. तो मेरे मुँह पर उन्होंने तारीफ की. अच्छा ठीक है भाई मैं चली गई. तो रुबाब ने मुझे बोला तुम डन हो और अब मेरी दोस्त मुझे गले लगी कि तुम एक्टर बनोगी सहर, तुम एक्टर बनोगी. अच्छा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे मैं भूल गई कि घर वालों से पूछना है. मैंने कहा अच्छा मैं एक्टर बनूंगी. ओके याहू एक्टर बनूंगी. तो वो वहाँ एक जावेद भाई होते थे वो बहुत अच्छे हैं. उन्होंने मुझे बोला डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई बैठे हैं, कुछ भी हो मुझे बताना है आके, कोई भी तंग करे मुझे बताना है. सेट पे भी मैंने उनको बोला कामरान सर मुझे ऐसे ऐसे बोल लेते शिकायत लगा दी. तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं होगा आप कुछ भी हो ना बस आपने मेरे पास आना. तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी उन्होंने मुझे बोला तुम बिल्कुल उसकी तरह. तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई, उनकी बेटी एक्टर है. ओके वो भी पटाखा है बहुत. तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो बोला तुम बिल्कुल उसका ना, तुम ये छोटा वर्जन है तुम बड़ा वर्जन हो उसका. खैर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया लीगली. मैं बाउंड हो गई, ये सब कुछ एक ही सिटिंग में हो गया, उसी वक्त हो गया और मैं लीगली बाउंड हो गई. ओह माय गुडनेस. पैसे डिसाइड हो गए, सारी चीज़ हो गई और मैंने सब चीज़ें कर दी और एक्साइटमेंट में सब कुछ. अब घर जाते जाते मेरी एक और फ्रेंड है, हमने उसको फ़ोन किया ना. तो मैंने बोला यार वो जब मैंने सैड हो के बाद मुझे पता था तू सिलेक्ट नहीं होगी, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तुमने जाया कर दी, सहर बस ठीक है. मैंने कहा बात सुनो मैं सिलेक्ट हो गई. ओ याहू वी विल सेलिब्रेट. ओके मैंने कहा यार वहाँ पे भी ड्रामा फुल ना. फिर हम घर पहुँचे. अब मैंने कहा यार अब उन्होंने पता नहीं कोई 18 डेट थी उस दिन को शूट शुरू था, एक डेढ़ महीने बाद शूट शुरू होनी थी. अब मैंने बोला यार घर वालों से तो पूछा ही नहीं है क्या करूँगी. तो बड़ा तो मैंने अच्छा उस वक्त मेरा NIC नहीं बना हुआ था ठीक है. जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैंने अपनी फ्रेंड के NIC पे कॉन्ट्रैक्ट किया था. तो मैं उसको बोल के आई थी, मैंने कहा अगर मैं फंसी और घर से इजाज़त नहीं मिली तो तुम यू आर डिग्री बाउंड, आई एम नॉट बेबी. तो उसने बोला यार. तो खैर बाबा के पास गई कमरे में. मैंने बोला पापा वो मैं सिंगर बन सकती हूँ. पहले मैंने बोला जरा एक्टिंग पे नहीं आती जरा. पापा ने बोला इतने जूते लगवाऊंगा ना भाग जा. चल गई. फिर अगले दिन ना मैंने पापा को बताया पापा वो आज मैं कॉलेज गई थी ना तो वहाँ ना हम TV की टीम आई हुई थी, इतनी सारी आवाम थी और सबका ऑडिशन हुआ और आपकी बेटी को सेलेक्ट किया उन्होंने. कहानी बनाई. मैंने कहा आपकी बेटी को सेलेक्ट किया. पापा थोड़ी देर मुझे क्यों देख रहे. मैंने कहा पापा लेकिन एक गलती हो गई मुझसे, मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो पापा थोड़ी देर तो बैठे उनको मामा आपको पता होता है झूठ बोल रही है मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों. तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा. उन्होंने मुझे बोला अच्छा मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया ना इसे तो तुम्हारा बना नहीं, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. तो मैंने बोला पापा वो ऐसे ही जो पेपर वर्क होता है वो किया. तो पापा ने बोला वो मैं तो कैंसिल करवा दूंगा कुछ नहीं होता तो अलाउ तो नहीं. फिर खैर बहुत रोना रोना किया मैंने, पाँव जोड़े पापा के, पापा प्लीज़ मान जाए. अम्मी को मनाया कोई नहीं मान रहा था. फिर मेरे एक छोटे चाचू जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने बड़े दादा दादी बड़े अबू तो वैसे ही स्ट्रिक्ट बनते थे लेकिन चलती दादा की थी. तो उनको मनाया और उनके थ्रू मुझे मिली इजाज़त.
तो उन्होंने फिर क्या हुआ, हम ज्वाइंट फैमिली से ना फिर हम अलग हो गए थे, तो जब हम अलग हुए तो जिंदगी वहाँ से शुरू हुई. तो तब मैंने देखा कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी माँ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी माँ आज तक मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ है. अम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं, बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम जो करना है बाप खड़ा हुआ. लेकिन पापा ने मुझे एक चीज़ समझाई कि जब मुझे इजाज़त मिल गई और शूट शुरू हो गई, मैं रात को 10 बजे आ रही हूँ, पापा का थोड़ा मुँह बनता था कि रात को आ रही है ये वो, लेकिन उनके अब्बू ने बोला था, मैंने बोला आपके अब्बू ने बोला है तो आप कुछ नहीं कह सकते. कुछ नहीं कह. अच्छा सांवरी ना बहुत जल्दी जल्दी शूट हुई, ठीक है, जैनब उसामा सब होते थे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई और बहुत मज़ा आता था मुझे. तो बहुत जल्दी जल्दी शूट हुई, बहुत जल्दी टीजर, कामरान सर बहुत जल्दी यू नो कामरान भी बहुत जल्दी जल्दी शूट करते हैं, काम करते हैं, तो वो बहुत जल्दी टीज़र हमारे ऑन एयर हो गए. तो वो उस टीज़र में एक डायलॉग था, मैं जैन को बोलती हूँ कि शमा दिल नहीं दिल पे लगी जेब देखती है, तो वो डायलॉग बहुत हिट हुआ था उस वक्त ना. तो मेरे अम्मी अब्बू को यू नो फैंस रिएक्शन मिलना शुरू हो गया उनको. अम्मी की फ्रेंड्स बता रही हैं, पापा के दोस्त बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो इतना खुश हुए. तो मैंने बोला पहले तो आप लोग मुझे इजाज़त नहीं देते थे, अब जब मेरे फैंस आपके दोस्त मेरी तारीफें कर रहे हैं तो अब मैं अच्छी हो गई हूँ. तो पापा ने फिर मुझे एक चीज़ समझाई कि देखो अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है, कल को तुम अल्लाह तुम्हें और कामयाबी दे, माँ बाप से इजाज़त दे के या माँ बाप के फैसले के साथ चलोगी तो इंशाल्लाह कामयाब तुम करोगे और माँ बाप की दुआएं ही आपको आगे लेके जाती है. तो पापा ने कहा तुम इंशाल्लाह आगे कामयाब हो जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, वो मुझे आज तक याद है, कभी गरूर नहीं करना, ठीक है. और जो तुम्हारे से जो छोटे लोग होते हैं ना, जैसे हम ड्राइवर्स होते हैं और ये जो स्पॉट के लड़के होते हैं, टेक्निकल जो टीम होती है जो आपको सपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली उनसे इज्जत से बात करें. एक्टर से तो आप वैसे ही इज्जत से बात करोगे ना, अपने ऊपर तो लोगों से आप इज्जत से बात करोगे, लेकिन जो ये नीचे के तबके के लोग हैं ना, इनसे कभी बदतमीजी नहीं करना, अगले दिन घर बिठा दूंगा. मैंने कहा ओके बाबा, दूसरी बताए. तो फिर दूसरी बाबा ने बताया कि हमेशा जो झुका हुआ दरख्त होता है ना वो फल देता है, और अकड़ना मुर्दे की निशानी है. तो मुझे आज तक याद है, जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना कि कभी अगर हल्का सा भी टैंट्रम्स आ जाता है या कभी कोई और चीज़ आ जाती है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुर्दे अकड़ते हैं यार, इंसान नहीं अकड़ता, डाउन टू अर्थ बनो. तो बस इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई. सांवरी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा, फैन का बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया. मैंने कहा यार मैं तो एक्टर बन गई हूँ. फिर दोस्त भी यू नो पार्टी, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, सब बहुत खुश हुए.